रीता चौधरी जी, रीता जी, रीता जी, नमस्कार साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी, आपने बहुत अच्छे से संभाल रखा है सारी व्यवस्था को, और आपके पास में हमारे हेल्दी से हेल्थ मिनिस्टर बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अच्छी बात है। वो भी बहुत चिंतित है सारी व्यवस्था, वो भी देख रहे अपने स्तर पर, और साथ में मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगी, वो भी अपने स्तर पर सब चीजें देख रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि वैसे ही हमारे देश की गुजरात के दो मोटा भाई बैठे हैं देश के ऊपर, उन्होंने व्यवस्था सारी खराब कर रखी है लोकतंत्र के। लेकिन मैं मुद्दे पर आ जाती हूँ सर, जो हम लोग जो क्वारंटाइन की आप बात कर रहे थे, इसके लिए कोई सुझाव तो मेरे से पहले फुलेरा से आने वाले विधायक दे चुके हैं। हमारे ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर स्कूलें हैं काफ़ी, जो गांव से बाहर की तरफ भी हैं, तो जो बाहर से हमारे लोग आ रहे हैं उनको बॉर्डर के ऊपर उनका जो स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उनको उनके गाँव के अंदर भेज दिया जाए, वहाँ पर स्कूलों में उनके क्वारंटाइन हो जाए। हालाँकि WHO की है कि हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि लेट बाथ अटैच होना चाहिए, लेकिन उनको हिंदुस्तान की और हमारे राजस्थान की परिस्थिति नहीं पता है, बहुत आबादी है और इतनी जगह यहाँ पर है नहीं, तो घर के पास अगर वो लोग आएंगे तो उनको होम अलोन फील नहीं होगा, घर से उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तो एक सरकार के ऊपर भार कम आएगा इस चीज़ का। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ सर, नरेगा के तहत जैसे हमने घोषणा पत्र के अंदर किसानों के लिए वादा किया था नंदीशाला का, कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशालाएं हम लोग बनवाएंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है सर कि हर ग्राम पंचायत के अंदर चारागाह की भूमि होती है और वो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता, लेकिन नरेगा के तहत एक सीमित एरिया के अंदर हम खाई खुदा के आवारा पशुओं को वहाँ इकट्ठा करने का काम कर सकते हैं, ताकि गांव में किसानों को उसका लाभ मिल सके और उसके चारे पानी की व्यवस्था गांव वाले कर सकते हैं। ये नरेगा के तहत काम हो जाएगा, इसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा गाँव के अंदर रहता है हमेशा। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ सर, नरेगा के अंदर लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप वैसे बहुत उदार मन के हैं, थोड़ी और उदारता रखते हुए उनको 20% से 30% जितना वो काम करते हैं उससे अगर हम थोड़ा उनको ज़्यादा देंगे, तो उनके घर की समस्या, खाने पीने की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या पे भी हम थोड़ा सा उनकी मदद कर सकेंगे इस बहाने, क्योंकि शायद 230 रुपये करीब हमने रख रखे हैं, लेकिन उतना काम लोगों से होता नहीं, गर्मी का टाइम भी है, तो जितना वो काम करते हैं उससे थोड़ा सा 20-30% बढ़ा के अगर हम उनको देंगे तो उनके घर की व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सर, आने वाली गर्मी के अंदर पानी का और बिजली की जो समस्या वो बढ़ेगी, और हम जानते हैं आने वाले दिनों में बारिश का भी मौसम रहेगा, ज़्यादा बारिश होती है कम बारिश होती है हम कह नहीं सकते, तो कंटिजेंसी जो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे रखी है वो उसके लिए भी काम करें। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि विधायक कोटे से आप जैसे हमेशा करते आए हैं 20%, 25% या 15% आप अलाउड कर दें कि हम लोग पानी और बिजली की व्यवस्था के अंदर भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी हम लोग व्यवस्था कर सकें उसके अंदर। मैं समझती हूँ क्योंकि हमारा वैसे भी पूरे देश में हमारे राज्य में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को आने वाले टाइम के लिए पानी और बिजली के लिए भी लड़ाई एक लड़नी पड़ेगी, और बारिश का मौसम भी आ रहा है, कहीं ज़्यादा पानी बरसेगा कहीं कम बरसेगा, तो कंटिजेंसी का उसमें भी काम आ जाएगा, नाली वगैरह कई सड़कें खराब हो जाती हैं गाँव के अंदर पानी भर जाता है, तो अगर विधायक कोटे का 15 से 20% आप पानी और बिजली के लिए भी दे दें तो एक लोगों को हम लोग सुविधा उपलब्ध करा सकें, अल्टीमेटली सरकार पर ही वो जाना है। और अब तीसरा मैं कहना चाहूँगी सर, मेरे अलसीसर ब्लॉक के अंदर खारे पानी का ब्लॉक है, फ्लोराइड का है, और आपने बजट में भी घोषणा कर दी थी उसके अंदर, लेकिन वो TS उसकी अभी तक जारी नहीं हुई, TS जारी हो जाती तो जो वहाँ पे जो डैम बना हुआ उससे लोगों को पानी, पीने के पानी मुहैया हो जाता और वो एक बड़ा एक लोगों को राहत मिल जाती, दूर दराज के अंदर रेगिस्तान के अंदर लोग रहते हैं। तीसरा सर एक श्रमिक, तीसरा नहीं है पांचवा है ये, हाँ पांचवा सर, श्रमिकों को लेकर एक बस लास्ट कहना चाहूंगी सर, श्रमिकों को लेकर हमारी चिंता रहती हमेशा,
मैं कहना चाहूंगी सही टाइम है, विधानसभा में भी ये आवाज उठी थी और मैं भी आपको दोबारा बताना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं, हम लोग जमीन दे रहे हैं उनको, सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो राजस्थान के श्रमिकों के लिए उसमें एक कोटा, रिजर्वेशन कोटा आप कर दें, तो जो यहाँ पे उद्योग स्थापित है उसमें 40%, 30%, 50% राजस्थान के जो लोग हैं उनको, श्रमिक स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग उसके अंदर काम पे लग जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा हमारे सामने मुद्दा हो जाएगा कि ये पलायन करके लोग आ तो गए इतनी तादाद में, लेकिन इनको हम रोजी रोटी कैसे दें। आपके नेतृत्व के अंदर राजस्थान बहुत अच्छा चल रहा है सर, और हमारे झुंझुनू जिले में हमारे कलेक्टर, SP, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे SDMs वगैरह, लेकिन कोरोना मेरे मंडावा से शुरू हुआ था और आज बिसाऊ के अंदर नगर पालिका में 2 केस और आ गए हैं। वो बाहर से कोई पलायन करके आए थे, उनके बस में वो लोग आए तो वो पॉजिटिव थे, उनके साथ वो भी पॉजिटिव हो गए, पर सब मुस्तैदी से हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे सर, आपका आशीर्वाद। फिर भी अच्छा कंट्रोल किया आप लोगों ने, भले ही आपको अच्छा कंट्रोल किया है। धन्यवाद सर।